डॉक्टर भास्कर भारद्वाज, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं लाइव हूं, मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है? एक दो ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस। सो प्रीवियस क्वेश्चन है कि क्या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सपोज करो कोई इंसान MP में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, UP में भी करना चाहता है, ऑल इंडिया भी करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि वेस्टेज ऑफ मनी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस केस में, ठीक है? सो डोंट डू दैट। अब ट्राई कीजिए कि एक ही स्टेट में या फिर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी रैंक अगर अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो देर इज़ नो इशू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ठीक है? यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट एंड टॉक टू मी, बट डोंट इन्वेस्ट दैट मच ऑफ मनी कि आपने UP काउंसिल में पार्टिसिपेट कर लिया, आपने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर लिया, डोंट डू दैट, ठीक है? वो कोई किसी मतलब का नहीं रहता है, ठीक है? एक लाइव में सर, वेन इज नीट MDS 2024, दिसंबर और जनवरी? 99.9% इज जनवरी, जैन में एग्जाम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कभी मत सोचना कि लेट होने वाला है, ठीक है? बहुत जल्दी यूपी काउंसलिंग अभी आ जाएगा, ठीक है? नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी यूपी काउंसलिंग, साथ ही साथ ऑल इंडिया भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सर, इंपॉर्टेंस ऑफ EWS इन प्राइवेट कॉलेज? नो इंपॉर्टेंस ऑफ EWS इन प्राइवेट कॉलेज, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में इसका इंपॉर्टेंस है और कहीं भी नहीं है। सर, आप थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए परफेक्ट शेड्यूल और स्टडी कैसे करना चाहिए टॉपिक पे वीडियो बनाइए। भाई, मैं खुद ही कितना पढ़ाई करता था ये मुझे अच्छे से पता है। अब मैं अगर शेड्यूल बनाऊंगा तो क्या ही बनाऊंगा, बट ठीक है, बना दूंगा मैं। सर, प्रोस्थो का काम बहुत है, ठीक है? ऐसा नहीं है, प्रोस्थो का काम कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपने रियल लाइफ में आते हो, जब क्लिनिक ओपन करते हो, तो सबसे कम अगर कोई काम करता है तो वो प्रोस्थो वाले करते हैं, और पैसा सबसे ज्यादा प्रोस्थो वाले कमा लेते हैं। तो कम टाइम इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाना है, दैट इज द प्रोस्थो। हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल इन UPSC? 3 times करते हैं वो लोग, मतलब मान लो अगर 170 सीट है तो 550 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। रिवाइज कट ऑफ क्या होगा? देखो, 180 प्लस चल रहा है तुम्हारा मार्क्स, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। GSL डेंटल कॉलेज आंध्रा, ओके, 8.7 की रैंक है, बहुत मुश्किल है ओरल सर्जरी इस रैंक पे। सर, इज UPSC फॉर्म फिल डेट इज एक्सटेंडेड? नो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया एक्सटेंड किया गया, आज लास्ट डेट है, आज फिल कर दो। महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज जयपुर ऑर्थो के लिए अच्छा कॉलेज है, OS के लिए भी अच्छा है, प्रोस्थो के लिए भी अच्छा है। राजस्थान में कोई अच्छा कॉलेज है तो दैट इज महात्मा गांधी। फिर भी ट्राई कीजिएगा। अरे 100% ट्राई करेंगे, बना देंगे भाई, टेंशन मत लो। जामिया के स्टूडेंट हैं तो जामिया तक पहुंचने तो पढ़ाई की ही थी, उसके बाद फिर क्या पता, कर देंगे, टेंशन मत लो, बना देंगे। सर, आई हैव डन ओनली 1 CD केसेस इन माय MDS एंड नाउ आई एम अबाउट टू डू प्रोस्थो फ्रॉम GDC, कैन यू गिव सम टिप्स एज आई डोंट हैव मच एक्सपोजर इन? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात याद रखिए, मैं फ्रेंकली सबको बता रहा हूँ कि आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, कितने भी अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हो, आप कितने भी CD, RPD, FPD या कितनी भी RCT कर लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप MDS में जाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको ट्रीट करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप वापस से आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर याद आ जाएगा BDS का, वो फिर से आपसे काम करवाएंगे, प्री क्लिनिकल काम करवाएंगे, फिर क्लिनिकल काम करवाएंगे, मतलब उसके बाद वो सब कुछ स्टार्ट करेंगे आपका। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे कॉलेज का एग्जांपल ले लो, आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने कम से कम 5 CD किया है मेरे कॉलेज में, ठीक है, 5 CD, 20 RPT किया होगा, ठीक है, क्राउन कटिंग 50 कर दिया होगा, लेकिन वो बच्चा भी जब जाएगा GDC में तो वापस से उसको फिर से नॉन क्लिनिकल में पहले रखेगा, मतलब कि नॉन प्री क्लिनिकल जिसको कहते हैं, प्री क्लिनिकल काम करवाएगा, फिर वो चीज़ चल रहा होता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो फिर से वापस आपको ट्रीट करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है और सब कुछ सिखाते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग इन GDC।
KGMU इंडो में माइक्रोस्कोपिक इंडोडोंटिक्स टीच करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। सो और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, व्हाट एवर यू वांट टू आस्क। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है आज, तो अच्छी बात है फिर तो। महात्मा गांधी जयपुर, बिल्कुल करता है, वो भी करता है टीच। देखो माइक्रोस्कोपिक तो इंडो हर कोई टीच करता है यार, थोड़ा भी अगर ढंग का कॉलेज होगा ना तो वो कर ही रहा होगा। सर डीसीए रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है? हाँ कॉलेज देता है, फिर यू गो टू डीसीआई और वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाता है विदाउट एनी इशू। जीडीसी हैदराबाद में माइक्रोस्कोप हर जगह होता है, ये क्वेश्चन ही मत पूछो, उसके बिना क्या करेंगे ये बताओ, क्या बच गया है? अब आप पूछोगे तब मैं जीडीसी से कर रहा हूँ या किसी कॉलेज से मैं जाकर एमडीएस कर रहा हूँ इंडो में, इंडो मोटर से सिखाते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं कराएंगे, तो बेसिक है। यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से फॉलो करना है? मिल जाता है यार क्वेश्चंस तो। MUHS महाराष्ट्र प्रोस्थो सीट अप टू विच रैंक क्लोज होता है? अगर आप जा रहे हैं नॉर्मल सीट्स के लिए, प्राइवेट सीट के लिए, तो अप टू 2500 मिल जाता है, उसके बाद उनका मैनेजमेंट कोटा स्टार्ट हो जाता है। 8 के रैंक में महात्मा गांधी जयपुर में ऑर्थो मिल सकता है क्या? बहुत डिफिकल्ट होगा। महात्मा गांधी के अलावा बेस्ट कॉलेज राजस्थान में फॉर ऑर्थो, ऑर्थो के लिए जा रहे हो तो महात्मा गांधी के अलावा गीतांजलि या फिर पैसिफिक ले लो। सर आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड मेरा फर्स्ट सीडी का प्रेजेंट चल रहा है। ओह गुड, कांग्रेचुलेशंस। जब मैं थर्ड ईयर में था तब मेरा भी सीडी का प्रेजेंट था, सीडी मैंने तभी किया था, सीडी दो आरपीडी किया था, एक सीडी किया था, तीन आरपीडी किया था, ठीक है। और मेरा तो आरपीडी रिपीट हुआ था यार, सॉरी सीडी रिपीट हुआ था मेरा, मतलब मैंने सीडी किया, आई डोंट नो क्या मिस्टेक, क्या मैंने उसमें क्या मिलाया, क्या मैंने किया, मैं क्या बताऊं, ठीक है, मुझे रिपीट करना पड़ा था सीडी। मतलब सोचो कितना हेटिक हो गया मेरे लिए कि मैंने पहले पूरा सारा प्रोसीजर करके सीडी बन के रेडी किया, सीडी बना दिया, फिर वापस से मैंने उसी को रिपीट किया सेम प्रेजेंट पे। बट मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला था उसमें, कि फिर टीचर्स बिल्कुल हेल्प किए थे बहुत ज़्यादा। सर 8 के रैंक जनरल कैटेगरी 20 लाख के अंदर ओएस या ऑर्थो मिलेगा? सॉरी टू से नहीं मिलेगा। सर प्रोस्थो और ओएस विच ब्रांच? डिपेंड अपॉन यू कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हो ना कि आपको क्या करना चाहिए दो ब्रांच के बीच में, दे डायरेक्टली टॉक टू मी, क्योंकि फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लाइफ से रिलेटेड हो जाते हैं। एक बंदे के लिए प्रोस्थो अच्छा होगा, दूसरे के लिए ओएस अच्छा होगा, तो डिपेंड करता है बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ों पे। सर विच इज़ बेस्ट कॉलेज फॉर प्रोस्थो एंड इंडो इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में अगर आप जा रहे हैं प्रोस्थो के लिए, देन गो टू भारतीय विद्यापीठ पुणे, बहुत अच्छा है। और इंडो के लिए जा रहे हो तो महात्मा गांधी। सर गुड कॉलेज फॉर इंडो 9.8 के रैंक ऑल इंडिया? नो। देखो अगर बजट इशू नहीं है देन टॉक टू मी पर्सनली, ओके, फिर तो टेंशन ही मत लो। बजट इशू नहीं है फिर तो हजारों चीजें भाई, बजट इशू नहीं है फिर तो कौन सा कॉलेज चाहिए मुझे ये बताओ फिर। सर गुड कॉलेज पूछो ही मत मुझसे इंडो के लिए, गो टू सविता। 60 लाख फीस, 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लेगा NRI कोटा का, 70-80 लाख में दे देगा सीट इस रैंक पर भी, कोई इशू नहीं है। अगर बजट इशू है ही नहीं तो फिर मुझसे डायरेक्टली बात कर लो, फिर यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं कि सर बजट इशू नहीं है, ठीक है। बेस्ट कॉलेज इन पंजाब फॉर MDS, CMC लुधियाना और JDC जो भी है। सर आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट और मेरा फर्स्ट CD प्रेजेंट चल रहा है प्रोस्थो में, स्किल कैसे इंप्रूव करें? देखो यार स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, काम करते हो ना, काम कर, फर्स्ट CD कर रहे हो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, सेकेंड CD जब करोगे फाइनल ईयर में तो बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। और जब इंटर्नशिप में फिर जाके CD करोगे, मैंने तो इंटर्नशिप में एक भी CD नहीं किया था। मेरे बैच में, मतलब मेरे बैच में 4 लोग थे, मैं था, चैनिका थी, आजिब और दानियाल, हमने तो वही कसम खा ली थी कि भैया CD नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। तो हम लोग का तो अलग ही चल रहा था, CD हमने नहीं की थी गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी इंटर्नशिप में, बट करना चाहिए था, ठीक है। सर OS डिपार्टमेंट के लिए कितने रैंक
का आना जरूरी है INICET में। INICET में अगर टॉप 10 रैंक में हो तो मिलने के चांसेस रहते हैं। कलिंगा और भारतीय विद्यापीठ पुणे, विच इज गुड फॉर प्रोस्टो, भारतीय विद्यापीठ पुणे, माई रैंक इज 261 ऑल इंडिया, माई रैंक इज ऑल इंडिया। अच्छा, SC कैटेगरी 6 रैंक है, तो KGMU और रोहतक, अच्छा PGI रोहतक में इंडो मिलेगा क्या? आराम से मिलेगा विदाउट एनी इशू, आराम से विदाउट एनी टेंशन। 6090 रैंक है महाराष्ट्र में, कैन आई गेट? देखो ऑल इंडिया महाराष्ट्र में नहीं मिल सकता ऐसे, ठीक है, पीडियो पीडो मिल जाएगा। ऐसे किसी चीज़ के लिए जाओगे तो फिर आपको मैनेजमेंट कोटा लेना होगा, और कोई भी ब्रांच लेना चाहते हो तो। ऑल इंडिया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, डोंट वरी सर। महात्मा गांधी जयपुर में 8K रैंक पे कौन सा ब्रांच मिलेगा? पेडियो मिल जाएगा, पीडो मिल जाएगा, प्रोस्टो के भी चांसेस रहते हैं। सर मैं परमानेंट UP, स्टेट रजिस्ट्रेशन इज नॉट जनरेटिंग, ठीक है, टिल येट आई हैव अप्लाइड फॉर इट, इज इट कंपल्सरी टू हैव रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग? नो, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास होना ही चाहिए। निम्स जयपुर अगर ओरल सर्जरी ले तो कुछ हद तक ठीक है। सर हाउ इज KMSR डेंटल और पीडो? इट्स गुड, यू कैन ज्वाइन इट। सर महाराष्ट्र में 7K रैंक पर पीडो मिल सकता है स्टेट कोटा? पीडो मिल सकता है स्टेट कोटा में, वो चांसेस हैं, वो मिल सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चन क्या है? सर आप कभी रेडी होकर क्यों नहीं बैठते हो जब भी आप लाइव आते हो? देखो यार, क्या रेडी होकर बैठना है यार, कौन सा मुझे मेकअप करना है, बस बैठ जाना है, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरे चेहरे देखने भी तुम बैठे नहीं होते हो, सीधी सी बात है, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। 690 रैंक के राउंड इन SC कैटेगरी इन महाराष्ट्र, विच वन कैन? देखो SC कैटेगरी है और 6090 है तो मिल जाएगा कॉलेज डिपार्टमेंट, आपको प्रोस्तो मिल जाएगा आराम से, गो फॉर प्रोस्तो। सर NRI सीट कैसे ले सकते हैं? NRI सीट कैसे ले सकते हैं? काउंसलिंग बैठोगे उसमें टिक करने के लिए आता है, टिकट मिल जाएगा, उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो कर लो। सर कैन आई गेट पीडो ऑल इंडिया रैंक 10? पीडो कलिंगा में आराम से मिलेगा, 3000 रैंक तक होता तो भी मिल जाता, कोई इशू नहीं है। फाइनल ईयर का मार्क्स देना है, ठीक है। सर व्हाट इफ वी डोंट गेट अ सीट इन अ कंसीडर्ड कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, इज इट पॉसिबल टू गेट इन सेकेंड राउंड इन द सेम कॉलेज इन केस सम वन लीव द सीट? हाँ, अगर ऐसा कुछ, देखो सेकेंड राउंड में बहुत सारे सीट्स मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में ऐसे ही भर देते हैं विदाउट एनी मतलब कुछ किए ही, ठीक है। बट हाउ जनरल कैटेगरी पीपल कैन अप्लाई फॉर NRI सीट? आराम से हो सकता है, NRI सीट के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, इट्स ऑल अबाउट मनी। पैसे आपके पास हैं तो आप NRI सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पैसे डॉलर में पे करने हैं और कुछ नहीं करना है आपको, तो उनका एक अलग ही रहता है स्केल। तो ये जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ही गलत है, आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो, ST SC से हो, आप NRI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NRI का मतलब ही होता है फीस 2x 3x हो जाता है, आप NRI के लिए जैसे अप्लाई करोगे सारे यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी ना वो 80 लाख प्लस चली जाएगी, 80-85 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक जाती है किसी किसी की। जैसे आप DY पाटिल को जाओगे तो 1 करोड़ रुपया फीस देना होगा आपको NRI कैटेगरी में लगभग। तो आप वो देख लीजिए, आप उस लेवल पे हैं, आप वो कर सकते हैं, उतनी ही आपकी क्षमता है, देन गो फॉर इट। सर डज ओरल सर्जरी डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कंट्री एज कम्पेयर टू द, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ओरल सर्जरी बहुत सारे कंट्री में MBBS का ब्रांच है, मतलब जब MBBS करते हो उसके बाद जब PG करते हो तो मैजोफेशियल सर्जरी उसमें आता है, बट इंडिया में ये डेंटिस्ट्री में आ जाता है, तो बहुत सारी कंट्री ओरल सर्जरी की डिग्री की वैल्यू नहीं देती है। OBC कैटेगरी कट ऑफ कितना आएगा? देखो 160 प्लस अगर है आपका तो यू आर इन अ सेफ जोन,
सर तो महाराष्ट्र में 15 लाख में कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा फॉर पीडो? 15 लाख मतलब क्या पर ईयर फीस है या फिर आपका एक कंप्लीट है क्या है? सर इफ़ आई एम नॉट टुक एडमिशन, ठीक है, तो आपको एडमिशन, अगर आपको कॉलेज मिल गया और फिर आप एडमिशन नहीं लिए तब आपके पैसे वापस नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको कॉलेज मिला ही नहीं तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। इंफ्रेस डेंटल कॉलेज इंडो 5,000 रैंक पे मिल जाएगा, वहाँ मिल ही जाता है, 6,000 पे बन जाता है, ठीक है। सर 18,000 रैंक जनरल कैटेगरी, 20 लाख में कोई क्लिनिकल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी नाउ, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं अब। सो इफ आपका कोई डाउट हो, स्पेशली अगर आपको लग रहा है, जो वो लोग हैं जिनको बजट इशू नहीं है, जिनको लग रहा है NRI कोटा में सीट लेनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट टू माई टीम एंड टॉक टू मी डायरेक्टली। और उन सारे लोगों से मैं बोलूँगा जो भी लोगों को लग रहा है ना कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए या स्टेट में जाना चाहिए, दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज सही रहेगा आपके लिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, या फिर आपको लग रहा है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, विच ब्रांच इज़ बेटर फॉर यू, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।